कैन गायनेकोमेजिया बी क्योर्ड नेचुरली? मैं डॉक्टर सुनील अरोड़ा, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, ALCS हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक, जयपुर। गायनेकोमेजिया यानी कि मैन बूब्स। जब आपको डाउट हो कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपका ब्रेस्ट का साइज बड़ा है स्पेशली, तो आप डेफिनेटली एक रिसर्च करके क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड सर्जन को दिखाएं, और उनको दिखाने के बाद जब आप इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि हाँ आपको गायनेकोमेजिया है और आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तब एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन काफ़ी पेशेंट्स के दिमाग में आता है वो ये आता है कि क्या ये जो प्रॉब्लम है, जो मेल ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट है, वो नेचुरल तरीके से कम हो सकता है या नहीं। अब अगर हम बात करते हैं नेचुरल तरीके की, मतलब जिसके अंदर की कोई दवाइयाँ भी नहीं और कोई सर्जरी भी नहीं, तो बिना दवाइयों के और बिना सर्जरी के गायनेकोमेजिया के लिए क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। कुछ पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि क्या मैं एक्सरसाइज और डाइटिंग से गायनेकोमेजिया को ख़त्म कर सकता हूँ, जिसे नेचुरल तरीका कहते हो। देखिए, अगर आप डाइटिंग करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, तो डेफिनेटली वो आपके बॉडी के फैट को कम करने में बहुत हद तक मदद करेगा। बॉडी का फैट जब कम होगा तो चेस्ट से भी, जो आपकी एनलार्ज ब्रेस्ट है, उससे भी फैट कम होगा। लेकिन जो प्रोपोर्शन है, जो परसेंटेज है फैट जाने का, वो बाकी बॉडी में एज कम्पेयर्ड टू ब्रेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। ब्रेस्ट से फैट कम जाता है, बाकी बॉडी से फैट थोड़ा ज़्यादा प्रोपोर्शन में जाता है एक्सरसाइज और डाइटिंग करने से, नेचुरल तरीके से। सो जब आप एक्सरसाइज और डाइटिंग करते हैं टू क्योर गायनेकोमेजिया, जो फाइनल रिजल्ट यूजुअली आता है वो ये आता है कि बाकी बॉडी से फैट काफ़ी हद तक कम हो जाता है, लेकिन चेस्ट से उस प्रोपोर्शन में फैट कम नहीं होता है, और जो चेस्ट है, जो ब्रेस्ट है, वो एक्स्ट्रा प्रोट्यूडेड नोटिसेबल लगते ही लगते हैं। इसके बाद और भी पेशेंट्स हमसे ये पूछते हैं कि साहब नेचुरल तरीका, जैसे कि मसाज करना या फिर कुछ हर्ब्स को लेना या फिर कुछ और अलग तरीके की डाइटरी मॉडिफिकेशंस नेचुरल तरीके से, उससे भी क्या गायनेकोमेजिया का साइज कम हो सकता है और क्या ट्रीट कर सकते हैं क्या? देखिए, गायनेकोमेजिया जो प्रॉब्लम है, जो मेल ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट का जो इशू है, जिसे मैन बूब्स भी कहते हैं हम रूटीन लैंग्वेज में, उसका जो कॉज होता है वो एक ट्रांजिएंट हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जो ड्यूरिंग प्यूबर्टी होता है। उस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ग्लैंड का साइज बढ़ता है, वेस्कुलैरिटी बढ़ती है, और उस पर फैट डिपोजिशन शुरू हो जाता है। लेकिन वो जो कॉज है वो एक ट्रांजिएंट कॉज होता है, टेम्प्रेरी कॉज होता है, लेकिन वो अपना इम्प्रिंट छोड़ के चला जाता है। तो उसके बाद वो चेस्ट की जो शेप है, ब्रेस्ट का जो साइज़ है, वो ऑलमोस्ट वैसा ही मेंटेन रहता है। अगर बॉडी में और फैट एक्यूमुलेट होता है तो वहाँ ब्रेस्ट में भी फैट एक्यूमुलेट होता है। इन सब चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो आप खुद उस चीज़ को क्लियरली समझ पाएंगे कि मसाज करने से या किसी तरह की हर्ब्स को यूज़ करने से गायनेकोमेजिया के साइज़ पे, ब्रेस्ट के साइज़ पे किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फाइनली आपको, अगर आपकी चेस्ट की जो शेप है वो फ्लैट चाहिए, गायनेकोमेजिया से आपको छुटकारा चाहिए, तो जो ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके पास बचता है वो होता है सर्जरी, जो कि बिल्कुल ही इलेक्टिव और ऑप्शनल सर्जरी है, और एस्थेटिक सर्जरी यानी कि कॉस्मेटिक सर्जरी है। और उस सर्जरी के बाद आप एक फ्लैट चेस्ट विद मिनिमम स्कारिंग बहुत ही आराम से पा सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित या गायनेकोमेजिया से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस या क्वेरीज अगर आप पूछना चाहते हो, तो नीचे लिखे हमारे फ़ोन नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारे ईमेल आईडी पर हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने क्वेश्चंस और क्वेरीज हमसे शेयर कर सकते हैं, और हम जल्द से जल्द उन्हें रिस्पॉन्ड करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।